नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील सत्या। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सफेद होते हुए बालों को और झड़ते हुए बालों को कैसे रोकें, तथा बालों में अगर अत्यधिक मात्रा में डैंड्रफ इत्यादि हैं तो उनको कैसे ठीक करें या उनको आने से कैसे रोकें। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल कम उम्र के बच्चों को ही बाल पकने लगते हैं, महिलाओं के भी बाल पकने लग रहे हैं, यानी कि बाल सफेद होने की समस्या अत्यधिक मात्रा में हमारे देश में बढ़ती जा रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर हम कारणों पर जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज की वीडियो में केवल और केवल इसका समाधान जानते हैं। बाल अगर सफेद होने लगे हैं असमय, बिना किसी कारण या किसी कारण से, या बाल आपके अत्यधिक झड़ने लगे हैं, बाल की जड़ें पतली होने लगी हैं, बालों में मुंह बनने लगे हैं, इत्यादि इत्यादि समस्याएं हैं, डैंड्रफ की समस्या से परेशान है, और ये सारी समस्याएं किसी भी प्रकार के ऑयल यूज करने से नहीं जा रही है, तो हम आपको एक ऐसी औषधि बताने जा रहे हैं जिसका निर्माण आपको अपने घर पर ही करना होगा। क्योंकि मार्केट से आप अगर इस कॉम्बिनेशन की औषधि चाहें लाना तो आप इस औषधि को मार्केट में नहीं पाएंगे। लेकिन इन तीन औषधियों की आवश्यकता होगी इसे बनाने के लिए, ये आपको मार्केट में जरूर मिल जाएगा। इसके लिए जिन औषधियों की आवश्यकता होगी उनमें सबसे पहला चीज जो है वो है आंवले का चूर्ण। आंवले का चूर्ण का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा चीज जो है वो है एलोवेरा जेल, और जो तीसरा चीज है वो है भृंगराज आयरन। इन तीनों चीजों को आप मार्केट से ला सकते हैं। अगर एलोवेरा घर पे लगा रखे हैं तो आप उसके गुदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आंवले का पेड़ है, आंवले का फल है, तो आप आंवला चूर्ण की जगह पे चाहे तो आंवले के रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भृंगराज अगर आपके आसपास कहीं उपलब्ध है तो भृंगराज के तेल के जगह पे आप भृंगराज के रस का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इन तीनों को बराबर मात्रा में, बराबर मात्रा यानी कि चूर्ण आपका 2 चम्मच होगा और 1 कप के लपेट में आपका कम से कम एलोवेरा, जिसे गांव में घृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है, का जेल लेंगे और उसमें 5 ml आपको भृंगराज आयल मिलाना होता है। इन तीनों को मिक्स करके हम अच्छे से तैयार कर लेंगे और रोज सुबह स्नान करने से पहले आधे घंटे पहले इसे सर में अच्छे से लगा करके छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद हम अपने सर को धोएंगे नहाते समय, और यह क्रिया आपको हर एक दिन छोड़ करके लगातार करना है। आप देखेंगे कि कुछ ही समय के लगातार प्रयोग से अगर बालों में झड़ने की समस्या है तो वो ठीक हो गया है, बाल झड़ने बंद हो गए हैं। बाल अगर कमजोर थे तो उनकी कमजोरी खत्म हो गई है, बालों का सफेद होना अचानक रुक गया और बाल काले होने लगे, बालों से डेंड्रफ गायब हो गए, बालों में जो कीड़े वगैरह इत्यादि हो जाते हैं वो सब के सब जू वगैरह बाहर निकल गए और आपके बाल बिल्कुल हेल्दी हो गए। यह बहुत ही शुद्ध आयुर्वेदिक औषधि है जिसका निर्माण आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।